करना होगा। उस पे फक्र होता मुझे। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। उस पे फक्र होता मुझे। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमंत शिंदे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं, तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे ये सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तिका का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज़ 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज़ 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फार्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज़ 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज़ 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज़ 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज़ श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज़ फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज़ 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हादसे के लिए तैयार रहें। मराठी फिल्म बॉयज़ 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में। बॉयज़ 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और हर्षिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ भालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मारे जैसे कलाकार शामिल हैं। बॉयज़ श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याश और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज़ 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच पर तैयार करता है। बॉयज़ 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य, ढूंगा और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मज़ेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज़ के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ढूंगा के रूप में पार्थ भालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षण और बुद्धि के साथ जीवंत रखते हैं। सुमित सिंह का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के साथ दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कुणाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरो का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन भांडवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमेटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्तकर का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बना रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गवली का प्रोडक्शन डिज़ाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज़ 4 विशेष प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पात्रों के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किल्लेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से यह पहले भाग में तेज़ हो सकता था, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी को स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवादों के अनुरूप नहीं हो सकते। बॉयज 4 में जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होता है वह दोस्ती का मुख्य विषय है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की आरक्षकता और चुनौतियों के बीच ये वह बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे के सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल हैं। बॉयज 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि यह फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगती है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे के अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक जोर कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक साधारण डांस नंबर की कमी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछले किश्त में अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। अनुमानित बजट रूप से लेकर 8 से 10 करोड़ की लागत वाले बॉयज 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होते हुए भी यह बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मक का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान करता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभवतः बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि यह नई जमीन नहीं तोड़ता है, यह एक मज़ेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। भावना के क्षण है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में हैं तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटिले हास्य के लिए तैयार रहें।